हाँ तो भैया बगैर टाइम वेस्ट करते हुए शॉर्ट नोट्स जो पिछली बार हमारे पेपर में आ गए हैं डीप लर्निंग के, और जो आ सकते हैं, जो पिछली बार आए हैं उनमें से आने के चांसेस है, जिसमें से कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बोलूंगा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ये मैंने 3 वीडियो बनाया, तीनों में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको पढ़ ही लेना। डीप ब्रीफ नेटवर्क भी आपने पढ़ ही लेना। ये जो वर्सेस को इतना बड़ा कौन लिखता है, वीआर लिखना चाहिए ना, वर्चुअल रियलिटी थोड़ी ना लिखा हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको लगे कि आपको ये सब नीचे के जो चीजें है ये भी पढ़ना है तो पढ़ लेना, क्योंकि सब पेपर में कभी ना कभी आया हुआ है। सो इट इज इम्पोर्टेंट। सो इससे ज्यादा बड़ा बड़ा मैं सो क्या ही बोलूँ। फिर फॉर न्यूरल नेटवर्क जो हमारे होते हैं, उसका मतलब होता है भाई साहब कि आगे ही जाता जाएगा, इसमें बैक नहीं जाएंगे। उसके बाद डीप ब्रीफ नेटवर्क जो होता है वो हमारे डीप न्यूरल नेटवर्क होते हैं उनको यूज करके बने होते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में जो डिफरेंस है, वो आपको कुछ 5 1 पॉइंट मिल जाएंगे, वो आपको पढ़ लेने हैं। अगर नहीं मिलते तो मुझे बोल देना, मैं कमेंट कर दूंगा। रिप्रेजेंटेशन लर्निंग मतलब होता है कि जो हमने हमारा जो डेटा जो भी सीख रहा है, जो डीप लर्निंग में हमारा मॉडल जो भी सीख रहा है, उस चीज को रिप्रेजेंट करना कि वो कैसे एक्ट कर रहा है, ताकि हम उसके हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सके। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ईजी होती है, ठीक है, समझना ईजी होती है, करना थोड़ी टफ पड़ती है। उसके बाद बोल्ट्जमैन मशीन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई श्योरली इसके नोट्स में थोड़ा सा दिमाग से निकल गया उसका। सुपरवाइज लर्निंग हमारा वो होता है जहाँ पे हम अंडर सुपरविजन मॉडल को ट्रेन करते हैं, मतलब हमारे पास जो डेटा सेट होता है वो हमारा होता है लेबल्ड। उसके बाद डीप जेनेरिक मॉडल्स, इनको छोड़ दो, है ना, इनको पढ़ लेना। उसके बाद में यहाँ पर ये जितने नीचे जो टॉपिक्स है, ये सब इनके नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर लग रहा हो तो मुझसे नोट्स मांग लेना। आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स।